हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अभी अभी टाटा ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने ईवी जो गाड़ियां हैं ना उनके प्राइस कम कर दिए हैं, टियागो ईवी के और नेक्सोन ईवी के। टियागो के लगभग 70,000 रुपए कम किए हैं, नेक्सोन के लगभग 1,25,000 रुपए, 1,20,000 रुपए कम किए हैं। आज के टाइम पर जब हर चीज के और खासकर गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं एक साल में दो दो तीन तीन बार, टाटा ने प्राइस कम कर दिए हैं, वो भी उस टेक्नोलॉजी के जो काफी महंगी हम मानते हैं और जो मानते हैं यार इसकी बैटरी बड़ी महंगी होंगी जब कभी चेंज कराना है। तो इन सभी फैक्टर्स पर बात करेंगे, उस बैटरी की वजह से ही प्राइस जो है टाटा ने कम किए हैं। तो जो अब तक ईवी को लेकर काफी हल्ला मच रहा था ना, कुछ क्वेश्चंस भी थे यार, 8 साल के बाद क्या, जब इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी तब क्या, 1,60,000 किलोमीटर चलेगी, रीसेल करेंगे गाड़ी को तब क्या, तो उन सब की बात करेंगे। टाटा के ऑफिशियल ने ही ये एक स्टेटमेंट में बताया है और ये स्टडी भी बताती है, काफी सर्च किया है मैंने भी, तभी आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि आगे क्या उस ईवी का क्या होगा अगर कोई आज ले लेता है। अब देखिए, जब स्टार्टिंग में ईवी आई थी, टाटा लेकर आई थी अपनी गाड़ी को, उस टाइम पर प्राइस काफी ज्यादा थे और उस वजह से ईवी जो है काफी महंगी पड़ती थी। हमने देखा था एक टाटा नेक्सोन की बैटरी जो है वो चेंज होनी थी, हालांकि वारंटी में चेंज हुई लेकिन उसका प्राइस 7-7.5 लाख रुपए के आसपास बताया गया था कुछ टाइम पहले, कुछ साल, 1-2 साल पहले। अभी रिसेंटली एक और गाड़ी कि जो बैटरी है वो चेंज हुई है, उसका प्राइस 5.5-6 लाख रुपए के आसपास बताया गया है, वो भी उसमें वारंटी में ही जो है चेंज हुई थी। मतलब लगभग 2-3 साल के अंदर 1-1.5 लाख रुपए बैटरी के प्राइस कम हो गए और अब गाड़ी के प्राइस फिर से 1.25 लाख रुपए कम हो गए हैं। इसका मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे ईवी के दाम कम आएंगे क्योंकि बैटरी के दाम कम आएंगे। अब एक बड़ा फैक्टर ये रहता है यार, हम ईवी ले तो ले, चलो ठीक है मान लेते हैं हम ईवी ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये रहती है कि 8 साल के बाद 1,60,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो ईवी की बैटरी है उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी और अगर उसके बाद वो खराब हो गई या उसकी जो रेंज है वो कम हो गई तो हम क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा इस चीज का, वो बड़ी दिक्कत रहती है। रीसेल भी कैसे करेंगे, हमारी गाड़ी 5 साल पुरानी है, हमने मान लेते हैं 15 लाख रुपए की ली थी, अब जिसको हम बेचेंगे उसको भी तो पता है ना यार इसकी बैटरी पुरानी हो गई है, अगर ये इसकी बैटरी खराब हो गई, वारंटी से आउट हो गई, तो हमें फिर से 4-5 लाख रुपए की बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। तो उस चीज से ना काफी लोग बड़े डरते हैं, बड़े कमेंट भी आते हैं। तो देखिए, एक स्टडी कहती है, एक स्टडी नहीं बहुत सारी स्टडी कहती है और खुद टाटा ने भी बोला है कि वो तो सेफ साइड लेकर चल रहे हैं, कोई भी कंपनी है सेफ साइड लेकर चलती है। आपके पास कोई फोन भी है, आप कभी घर में अगर इन्वर्टर बैटरी है उसको भी आप कभी देख लीजिए, कोई भी आप फोन यूज करते हैं कभी भी है, वो हमेशा कहते हैं कि 1 साल की गारंटी है या 2 साल की गारंटी है आपकी बैटरी की, लेकिन हमारे फोन 4-4, 5-5 साल चल जाते हैं, हालांकि कैपेसिटी कम हो जाती है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन चल जाते हैं ना। घर में जो बैटरी रखी होती है 1-2 साल की वारंटी है, 3-4 साल भी हम चला लेते हैं ना, तो वो किस वजह से है। टाटा के जो ऑफिशियल है उन्होंने बताया था कि जो लिथियम आयन बैटरी है ना, इनकी जो चार्जिंग साइकिल होती है, एक हर बैटरी की एक चार्जिंग साइकिल होती है, वो कितने बार डिस्चार्ज और कितने बार चार्ज हो सकती है, तो इसकी जो चार्जिंग साइकिल है वो 2000 साइकिल है। 2000 साइकिल का क्या मतलब है, अब जैसे पंच है जो लॉन्ग रेंज वाली है उसमें बोला जाता है 421 के आसपास आपको ये रेंज देगी, 300 किलोमीटर मान लेते हैं इतनी वो दे देती है, 300 किलोमीटर एक चार्ज में चली, 2000 चार्ज में ये कितनी चल जाएगी, लगभग 6 लाख किलोमीटर। कंपनी ने वारंटी दी है 1,60,000 और ये चल जाएगी लगभग 6 लाख। अब हम ये भी कह सकते हैं यार 6 लाख तक जाते जाते ना इसकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, 6 लाख में क्या फायदा। यहाँ भी एक बढ़िया चीज हमारे लिए क्या है कि वो मानते हैं, कोई भी कंपनी है वो मानती है स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कि जो ये चार्जिंग साइकिल हम मानते हैं ना, कि मतलब हमारी 2000 साइकिल तब तक मानी जाती है जब हमारी बैटरी 80% तक परफॉर्मेंस दे, समझे, थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने बोला है किसी भी कंपनी के ने क्या बोलना होता है कि हम तब तक इसको काउंट करते हैं, इस लाइफ साइकिल को काउंट करते हैं, आज हम नई बैटरी लेकर आए हैं 100% ये अपना काम कर रही है, इसकी रेंज आज 300 किलोमीटर है बिल्कुल ठीक है, अगली 2000 साइकिल तक ये 80% परफॉर्मेंस तो देगी ही देगी, मतलब 300 किलोमीटर का 80% 240 किलोमीटर, जब ये 6 लाख किलोमीटर चल जाएगी ना उसके बाद भी ये इसकी परफॉर्मेंस ऐसी रह जाएगी, 80% परफॉर्मेंस ऐसी रह जाएगी कि 240 किलोमीटर तो ये तब भी चल जाएगी। ये परफॉर्मेंस को नापने का होता है और ये मिनिमम आप मान सकते हैं 80%, कुछ कंपनीज 90 भी करती हैं और कुछ जो बहुत ही मतलब प्रीमियम कंपनी है वो 100% भी कहती हैं।
तो इस तरीके से आपको मान सकते हैं कि इस तरीके से ये चीजें चल जाती हैं। अब दूसरा ना एक और चीज आ सकती है, चलिए मान लेते हैं 160,000 किलोमीटर कंपनी ने बोला है, उसके बाद खराब हो भी तो सकती है ना, ठीक है मान लेते हैं यार चल जाएगी, चलो बढ़िया है, लेकिन वो तो एक अलग सिचुएशन होगी। अगर नहीं चली तो, अगर खराब हो गई तो भाई 1,000 लोगों में से किसी एक की गाड़ी खराब होगी, किसी एक की जो बैटरी वो खराब होगी और वो हम ही निकले तो हमें तो 4-5 लाख का फटका पड़ ही जाएगा ना, उस केस में हम क्या करें, ये डर भी तो रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी की सभी बैटरी जो है बिल्कुल ठीक चलेगी, किसी ना किसी में तो प्रॉब्लम आएगी, और वो हमारी में आ गई तो उसका भी एक तोड़ नहीं है, टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, और उन्होंने ही बताया है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, कोई जुगाड़पंथी नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, हर बैटरी में सेल लगे होते हैं, तो जिस भी बैटरी में, और जो वो सेल होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं, तो मान लीजिए एक बैटरी पैक लगा हुआ है उसमें 50 सेल लगे हुए हैं, उस 50 सेल में से कोई एक सेल खराब हो गया, कोई दो खराब हो गए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खराब हो जाएंगे, जो एक या दो सेल खराब हुए हैं सिर्फ उन्हीं को रिप्लेस किया जाएगा, उन्हीं की कॉस्टिंग लगेगी, नए सेल डाल दिए जाएंगे और वो काम पूरा हो गया। तो समझ रहे हैं ना, जो बैटरी 5 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए मान लीजिए 50 सेल आते हैं, तो सिर्फ 2 सेल कितने कम में आएंगे, लगभग 10-20 हज़ार रुपए में, 5-10 हज़ार रुपए में, जो भी है मतलब कुछ हजार रुपए में हमारे जो सेल्स हैं वो आ जाएंगे। तो एक तो हमारी गाड़ी जो है वो बढ़िया चलेगी, लंबे टाइम तक चलेगी। फिर एक और चीज देखिए बड़ी ध्यान देने की है, वो क्या है कि जो ये साइकिल होती है ना, बैटरी की साइकिल होती है, ये हमेशा काउंट की जाती है 0 to 100% तक चार्ज करने में। हम कोई भी बैटरी हम गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं जब वो जीरो हो जाएगी तभी हम उसको चार्ज करेंगे, हमेशा कोई भी है मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो 20% रह जाती है तब तो वो चार्ज करेगा ही करेगा, चलिए 10% रह जाती है तब भी चार्ज करेगा ना करेगा, और 50% लोग जो है ना वो 30-40% से नीचे आने ही नहीं देते हैं, वो उसको चार्ज कर ही लेते हैं। तो उस केस में पूरी चार्जिंग साइकिल तो नहीं हुई है, हमारी बैटरी ज्यादा डाउन होके दोबारा तो नहीं उठी है, तो उस केस में भी आप मान सकते हैं 2,000 साइकिल के बजाय 2,500 साइकिल आप मान सकते हैं अपनी बैटरी के। कितनी एक परसेंट ऐसी गाड़ी होंगी जो 5 लाख किलोमीटर चल जाती है, चाहे वो एक ने खरीदी है, चाहे वो दो ने खरीदी है, मल्टीपल लोगों ने खरीद ली है, सेकंड हैंड हुई, थर्ड हैंड हुई, तो 5-6 लाख किलोमीटर चलनी बड़ी मुश्किल है। तो मतलब कहने की बात यह है, जब गाड़ी में एक बार बैटरी आ गई ना तो काफी कम चांस है कि दोबारा उस बैटरी को चेंज करने की जरूरत पड़े, और अगर बाई चांस जरूरत पड़ती भी है तो भी उस चीज में आपको सिर्फ सेल चेंज करने की जरूरत है, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं ना ईवी गाड़ी लेने की, आपका रन ज्यादा है तो आप ले सकते हैं, और वैसे भी अब प्राइस कम भी हो गए हैं, आने वाले टाइम में और भी प्राइस कम हो जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी इस टाइप की वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू, बाय बाय।